गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मुझे माफ कर दे, मैं इस कमरे की तरफ भी दोबारा नहीं आऊंगी, आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अल्लाह का पक्का वादा खत्ती से हुआ, मैं सच कह रही हूँ, आइंदा नहीं होगा। पर अगर तुमने वादा खिलाफी की तो जो आप कहें वो, बेशक आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। आज जाने थे। मैं जाऊं? मैं जाऊं? जाओ ना। दिया, कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ थी तुम? दिया, क्या हुआ? क्या हुआ दिया, सब खैरियत तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? अरे भैया क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। डांट पड़ी है वली से। वली? वली से कब मुलाकात हुई है तुम्हारी? समझाया है मैंने इसे कि वली से दूर रहे, एहतियात करे, गुस्से का तेज है वो, लेकिन इसकी मोटी अकल में बात आए तब ना। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, अब नहीं मिलेगी ना। समझाओ इसे दानियाल, वली से दूर रहे। मैं अम्मी से कहूंगी, कल ही नवाब शाह वापस चले, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई तुम शादी अटेंड करने आई हो, शादी अटेंड किए बगैर नहीं जाओगी। मैं वली से बात करती हूँ। नहीं नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, मुझे और डांट पड़ जाएगी, ऐसी बात ज्यादा हो जाएगी। नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम गेस्ट हो हमारे, वली को तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। भाई मैं बात करता हूँ उससे। कोई बात नहीं, मैंने कौन सा यहाँ हमेशा रहना, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। बिया, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम जाओ, जाके चेंज कर लो, देर हो रही है ना। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बिया, प्लीज प्लान स्पॉइल मत करो ना, प्लीज बहुत मजा आएगा, चलो ना। बिया ये जो दानियाल है ना, ये बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया, अब तुम प्लीज अपना मूड खराब ना करो और जाके कपड़े बदल लो, हम लोग बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज भैया। अच्छा समझा लेती हूँ, चलो हम वेट कर रहे हैं बाहर, बैठो ना। मेरे साहब, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, वली ने बिया के साथ जो बदतमीजी की, उस पर मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत डांटा है उसे। अच्छा रहने दें, आप परेशान मत हो, वली अब बड़ा हो गया है, समझदार है। तुम्हें वली के गुस्से का अंदाजा नहीं है मेरे साहब, जब उसे कोई बात बुरी लगती है ना तो बस उसे कुछ सुझा ही नहीं देता, कुछ अजीब पागल सा होने लगता है। जानती थी कि बचपन से इसका गुस्सा तेज है, लेकिन हैरानगी है कि आपकी ममता ने इसको पुरसकून नहीं किया। क्या बताएं? देखो ना, हर एक का अलग अलग मिजाज होता है, वली को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, और लैला बेगम उनकी बेटी का तो बस नहीं चलता कि उसको तंग करने में कोई कसर ही ना छोड़े। लैला बेगम को तो समझ आता है, सगी माँ है, लेकिन आनी? सही कह रही हो तुम, एनी उसकी सगी बहन तो नहीं है,
लेकिन फिर भी वली उसको अपनी इज्जत समझता है, इसीलिए उसके बारे में इतना प्रोटेक्टिव है। लेकिन ये बात ऐनी और उनकी वालिदा को समझ में नहीं आती ना। बिया किधर है? वो सामान संभाल रही है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, सुरजीवी बच्ची है तुम्हारी। बजिया एक नंबर की बुद्धू है, कोई भी कुछ कह दे यकीन आ जाता है उसको। मुझे तो बस यही फिक्र लगी रहती कि इसका होगा क्या। क्यों बुद्धू कह रही हो उसको? मासूम है, भोली भाली है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा उसके हक में बेहतर ही होगा। आमीन, मेरी तो दिन रात की यही दुआ है उसके लिए। चाय तो पियोगी ना तुम? हाँ जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा तोहफा लेकर आई हूँ। उसकी क्या जरूरत थी? ये बस मैं दुआ कर रही हूँ कि आपको पसंद आए। तुम भी तो कुछ कपड़े खरीदो। नहीं, मेरे पास तो कपड़े हैं। अरे जो कपड़े हैं वो पहन लेना, लेकिन शादी के लिए तो कंदील, खुदा क्या कर रहे हो यार, बिया को भी ड्रेसेस दिलवाओ कोई। हाँ अभी देखते हैं। फौरन बिया, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, मेहंदी भी अच्छा लगेगा ना। और यार इत्तेफाक की बात है, देखो मुझे भी इसी वक्त बिया के लिए ना शादी का ड्रेस मिल गया। कैसा है ये? तो बहुत खूबसूरत है। दानिल के बच्चे ड्रेस तो मुझे नहीं दिखा सकते थे? आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लें, मैं तो वैसे भी। नहीं नहीं भैया, देखो ये अच्छा नहीं लगता, ये तुम पे सूट करेगा, ट्राई करो। बात सुनो ना, तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा ड्रेस सिलवा दूंगा स्वीटहार्ट, सिलेक्ट तो करो, देखो तो सही। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग ना सबके सामने रोमांस करने से थोड़ा सा अवॉइड करें प्लीज। आप क्यों जेलस हो रही है दुल्हन बेगम? आपके भी बहुत जल्द रोमांस करने के दिन आने वाले हैं। अच्छा भाई ये बातें कम करो, काम ज्यादा करो, जल्दी शॉपिंग करो। एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था वली, तुम कब तक उन पे पैर बिठा के रखोगे? और क्या, बेटियों तो वैसे भी माँ की परछाई होती है। जो सारी जिंदगी लैला बेगम ने की है वही ऐनी भी करेगी। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐनी में हमारा खून नहीं है, वरना आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। छोड़िए ना अकबर हुसैन, आप भी क्या बातें लेके बैठ गए, मजबूरी है ऐसी बातें करना भाभी बेगम, वरना हमें नाचने गाने वालियों का जिक्र करने का कोई शौक नहीं है। देखिए अकबर हुसैन, लैला बेगम वली की वालिदा है, उनके बारे में जिक्र करते वक्त आप अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर किया कीजिए। बरसों पहले जो कालक असफंद अली ने पूरे खानदान के मुंह पे भरी, बरसों से हम उसे धोते चले आ रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वली के पैदा होते ही उसने इसे आपकी गोद में डाल दिया और उस औरत को तलाक दे दी, वरना आज ये भी अपनी बहन की तरह पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम कर रहा होता। आप देख रहे वली को, जो सच आपका बेटा सुन नहीं सका, हम वो पिछले 28 सालों से भुगतते चले आ रहे हैं। माफ कीजिएगा भाभी बेगम, आपके लाड प्यार ने ही वली को बिगाड़ा हुआ है। अरे कुछ दानियाल से सीखे, खानदान में कैसे रहा जाता है। तुम्हारी बातों में आके मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। चैंबर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है और फिर बिजनेस कम्युनिटी में वली की अच्छी बात है,
अगर ये साहबजादे नाराज हो गए तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। अकबर, आप दानियाल को अपने साथ लगा लेना। वली, जितनी समझ बूझ होती उसमें तो और चाहिए क्या था, रोना किस बात का है। वली का दिमाग गरम जरूर है लेकिन उसका दिमाग चलता बहुत खूब है। आपकी इन्हीं बातों ने वली का दिमाग खराब किया हुआ है, देख लीजिएगा एक दिन नुकसान उठाएंगे आप। वालेकुम अस्सलाम। दिया, इतने ज्यादा कपड़े बड़े कीमती लग रहे हैं, इतना खर्चा करवाएगा ना उनका। अम्मी, मैं तो इतना मना कर रही थी कंदील बाजी और दानियाल भाई को, उन्होंने जबरदस्ती इतनी सारी चीजें दिला दी। अच्छा, इनमें से दो चुन लो, बाकी सब मैं तुम्हारे जहेज के लिए रख दूंगी। अम्मी, आप सारे रख दे, मेरा तो दिल भी नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा तुमने। क्यों नहीं दिल, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा खड़ी तो हो, देखूं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अम्मी, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि शादी से 10-15 दिन पहले आने का क्या फायदा है, शादी कर लेते ना। टेन कितने सालों के बाद आए और ऐसा क्यों कह रही हो तुम है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? चोरी करने आई? नहीं, मैं तो वो झूठ, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कॉलेज भी तो खुलने वाले ना, अब पढ़ाई का खर्च भी तो होता है। घर पे तो कभी पढ़ाई की फिक्र नहीं हुई, अब यहाँ आकर हो रही है। भाई 10-15 दिन की बात है, शादी से पहले हम कहीं नहीं जा रहे, समझ आई? 10-15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। बिया ना अपना मूड खराब करो ना मेरा। अब आओ, इतनी प्यारी चीजें ली है, इनको जरा सही तरह से रखो तो सही, समेटो। सजा तो मिलेगी। चलो बिया, ये बहुत प्यारा है वैसे। जी माशाल्लाह। मम्मी आप भी ना, बजाय इसके कि वली को मना करो उल्टा मुझे समझा रही है। एनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं वली को नाराज नहीं कर सकती। वो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाला होता कौन है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। एनी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें मम्मी, मैं इतनी बड़ी ऑफर को सिर्फ इसलिए जा रही हूं क्योंकि वली को पसंद नहीं है। हम जानती हैं लड़के कितने पापड़ बेलती है ऐसी ऑफर्स के लिए। वली से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है, वो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। क्यों तुम उसके गुस्से को हवा दे रही हो? तो और क्या करूं, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दूं? मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि तुम्हारी ये शानदार जिंदगी उसी की इनायत करता है। देखो एनी, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी मत जियो, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम वली से टक्कर मत लो, उसकी बात मान जाओ। ऐसा तो होने से रहो। शिकारी कमजोर जीवों को चुन रहे हैं और स्कैवेंजर्स बचा खोचा पाने की उम्मीद में चक्कर लगा रहे हैं। करीबी रिश्तेदार फीमेल्स और इलाके का सबसे ताकतवर शेर शामिल होता है। ये सच है कि शेर एक खतरनाक शिकारी है, पर असल में वो अपना ज्यादातर वक्त सोकर बिताते हैं। ये क्या तुम हर बार जानवरों की चीर फाड़ देखते रहते हो बेटा? मिजाज भी ऐसा हो गया। मेरा मिजाज
या मेरे साथ जुड़े जबरदस्ती के रिश्तों का मिजाज। भले मेरी जान, लोगों की तो आदत है ऐसी बातें करने की, छोड़ो। आदत है? मुझे मेरी माँ के किरदार के ताने देना, मेरी माँ के नाम के साथ जुड़ी बदनामी को याद दिलाना, मेरे दिल को छलनी करना, आदत है ना उनकी। और आप क्या चाहती हैं? उनकी आदत के साथ समझौता कर ले वली। बेटा मेरी बात सुनो मेरी जान, तुम उनकी बात को अहमियत देते ही क्यों? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम ऐसे सोचने लगे हो? सिर्फ आपके प्यार की वजह से तो जिंदा हूं मां, वरना बाबा के साथ ही चला गया होता। वली, माँ को दुख पहुंचा के सुकून मिलता है तुम्हें? लैला बेगम ने सिर्फ पैदा किया तुम्हें, मैंने रात दिन एक करके तुम्हें पाला है, और तुम बस माँ, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मलिक एक बात याद रखना मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो तुम, मैं काफी हूं तुम्हारे लिए, किसी और की परवाह करनी नहीं चाहिए। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे बच्चों, मेरी जान हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। बस बस I'm so sorry. I'm really, really sorry. मैं बाहर से अंदर आया, तुम अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डरा देते, लेकिन तुम तो सचमुच डर गई। दानियल भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे खाली डरी नहीं हो, अपना चेहरा देखो, पीला पड़ गया है। एक काम करते हैं, इसको कॉम्पनसेट करते हैं तुम्हारे लिए। आइसक्रीम खाने का मूड है तुम्हारा? आइसक्रीम? कौन कौन जा रहे? फिलहाल तो सिर्फ मेरे जहन में आया है, अगर तुम अग्री करती हो तो कंदील और खुदा से भी पूछ लेते हैं, क्या है ना कंदील कुछ दिनों में चली जाएगी, पता नहीं कितना वक्त गुजारने को मिले, सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार। तो फिर मैं अम्मी से पूछ के आती हूँ। हाँ तुम उनसे पूछ के आओ और मैं बाकी गैंग को इकट्ठा करता हूँ। ठीक है। बाकियों से पूछूं तो सही। जी काशिफ, बात हुई आपकी? बिला वजह वहम कर रहे हैं आप, मैंने कहा ना आपको कि काम हो जाएगा आपका, फोन नहीं किया आपने, उसे मेरा नाम नहीं लिया, क्या कहा उसने? फोन करो यार उसे। अच्छा
मैं खुद आता हूँ। खुदा हाफिज़। कौन कौन किस गाने पे डांस कर रहा है? डांसेस का हमने डिसाइड कर लिया है कि पहला डांस हुदा करेगी और दूसरा बिया। बिया? I can't believe it. नहीं, बिया कैसे कर सकती है यार? क्यों? Really? चलो ठीक है बिया, फिर तो बाबा में डांस करके दिखाओ। नहीं, अभी तो मैं अपना डांस किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं मेहंदी वाले दिन ही करूंगी। करेगी वो डांस, उसने प्रैक्टिस की हुई है, आता है उसे। बिया, यहाँ पर तो हम आपस में, वहाँ पूरा खानदान होगा, वहाँ कैसे डांस करोगी तुम? हाँ वैसे भैया दानियाल सही कह रहा है, तुम कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, आप लोग प्रैक्टिस कर ले। वली वली आओ ना यार, सब कजन से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम भी कर लो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं ये सब कुछ नहीं करता। अरे मैं भूल ही गया, वली को डांस और म्यूजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, वली चेस खेलता है। ठीक है भाई, इसके बाद शतरंज की एक बाजी लगाएंगे, क्या ख्याल है? शतरंज की बाजी मैं सोच समझ के वक्त पे खेलता हूँ, अभी वक्त नहीं है जाने का, वक्त आएगा तो खेलेंगे। खैर हम लोग अपना करते हैं ना। हाँ चलो अगला गाना कौन सा है बताओ। हाँ तो देखो कैसे झाड़ झंकार की तरह से हो रहे हैं, जब ही तो खुशकी दिमाग तक पहुंच जाती है, जरा ख्याल नहीं करते अपना। आपके होते हुए मुझे अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है माँ? जो मैं ना रहे तो? माँ कैसी बातें करती हैं आप? तो शादी करके मेरी टेंशन खत्म क्यों नहीं कर देते बेटा? क्या चाहती हैं? जो थोड़ा बहुत सुकून मेरी जिंदगी में बचा है वो भी ना रहे? क्यों फजूल बातें कर रहे हो, अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। मेरी शादी की परेशानी छोड़िए, ये बताइए कंदील की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं सारी तैयारियां, दानियाल ने सारे इंतजाम अपने हाथ में ले लिया ना, सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और हाँ नरमी मुझसे शिकायत कर रही थी तुम्हारी। कैसी शिकायत? यही कि कंदील भली की भी तो बहन है, वो क्यों नहीं हिस्सा लेता शादी के इंतजाम में? गलत नहीं कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही। तुम्हें चाहिए चचा के पास जाओ, उनसे पूछो कि तुम्हारे लायक कोई काम हो तो बताए तुम्हें। बेटा अपनों से अपना याद का इजहार करना चाहिए। मैं एक मिनट फोन सुन क्या था।
गेट खोलो। तुम बहरे हो क्यों क्या? गेट खोलो। बीवी जी आप बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती क्यों? वली साहब ने मना किया है। वली साहब क्यों मना करने लगे? गेट खोलो। बीवी जी ये बात तो आप जाकर वली साहब से पूछें। What the hell? ये हो क्या रहा है? मम्मी, मम्मी! मम्मी, मम्मी! ये वलीद का बच्चा चाहता क्या है? मुझे मेरे ही घर में कैद करके रखेगा? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बात आराम से भी की जा सकती है नी? तो आप अपने लाडली से क्यों नहीं पूछती कि मेरे सकून का दुश्मन क्यों बना हुआ है? अब ऐसा क्या कर दिया उसने? हमारा गार्ड है और मुझे ही घर से बाहर जाने नहीं दे रहा क्योंकि वली साहब के ऑर्डर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बेगम साहिबा मुझे मेरे बेटे से फोन पर बात नहीं करने दे रही। मैं माँ हूँ इसकी, इसके बगैर नहीं रह सकती मैं। माँ? ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। नरमीन, वली को लेके अंदर जाओ। ये मेरी औलाद है, इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। ए, 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 इस घर में ये डायलॉग बाजी मत करो। अगर तुम्हें इतनी औलाद की परवाह होती ना तो असंत भाई ने जैसा इज्जत की जिंदगी गुजारने को कहा था तुम इज्जत की जिंदगी गुजारती। मगर तुमने तो औलाद को ठुकरा कर अपनी मनमानी की है। ये पैसे पकड़ो और निकलो यहां से। लेकिन ये तो बहुत कम है। फिक्र नहीं करो, शाम तक मिल जाएगा बाकी का चेक भी। लेकिन एक बात याद रखो, आइंदा तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी क्योंकि मुझे अपने बाप दादा की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। समझे तुम? मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे जता रहे हैं। अगर मजबूरी ना होती तो ये रकम आपके मुंह पर दे मारती। लेकिन खैर, अभी तो मैं जा रही हूं, शाम तक बाकी पैसों का चेक भिजवा दीजिएगा। कितना खूबसूरत बनाया है तुमने मेरुनिसा, कितनी बारीक तारकशी की है। बच्चे आपको पता है ना कि शुगु खाला ने सारी कढ़ाई मुझे सिखाई थी। मेरी अम्मी ने? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। वली के लिए भी कुर्ता शुरू किया है, हफ्ते में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं यही कहने वाली थी अभी तुमसे। तो ये हो सकता है कि मैं अम्मा के लिए बनाऊँ और बेटे के लिए ना बनाऊँ। बस घर वापस जाने से पहले तैयार हो जाएगा, मैं दे दूंगी खुद अपने भांजे। अच्छा अच्छा। अरे बिया बेटा, जीती रहो, खुश रहो। इस कदर दिल चाह रहा था चाय पीने को उस वक्त के, क्या बताऊं। चीनी? नहीं बेटा, थैंक यू। अम्मी आप। माँ, मेरे कमरे की सफाई किसने की है? मजा आ लगे कोई एक चीज भी अपनी। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। शुक्रिया माँ। वली, क्या हो गया बेटा? बैठो तो सही, मैं यहाँ से फारिग होकर थोड़ी देर बाद जाके देख लूंगी कहाँ रह गई तुम्हारी कोई चीज। माँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना था, एक घंटा लेट हूँ मैं पूरा। फाइल सामने रखी थी मैंने, पूरा कमरा छान मारा है, फाइल नहीं मिल रही है। मिल जाएगी ना, जाएगी कहाँ, तुम्हारे कमरे में जाता ही कौन है। चलो बैठो, चाय पियो। चाय दिया बेटा, वली के लिए भी चाय बना दो। जल्दी चाय पी ले। माँ मुझे पहुँचना है कसम से। चलो भाई, बस कॉल आ गई है मुझे। एक मिनट सब्र तो कर लो। Thank you.
काम क्यों रही? वो सर्दी है। अप्रैल के महीने में भी कराची सर्द रहने लगा है आजकल। हाँ? मुझे भी लग रही है। क्या है? बिल्कुल ठीक किया है माँ, कुछ गलत नहीं किया। आप समझाइए ना उसे, उसे कहें कि छोड़ दे ये पागलपन। नहीं माँ, धमका नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। और बता भी आखिरी दफा रहा हूं, आइंदा बताऊंगा नहीं, अमल करूंगा। खुदा हाफिज़। ये देखिए भाभी बेगम, कितना खूबसूरत सूट है ना। बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया ये तुमने? करीब में डिजाइनर थी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कलर, ये खूबसूरत है। वैसे मैरिनुसा, तुमने अपनी बेटी के लिए रिश्ता क्यों नहीं देखा कोई? अभी तो वो पढ़ रही है, और जब भी बिया से कोई शादी की बात करो तो रोने लगती है, कहती पहले मैं पढ़ाई खत्म करूंगी। मैरिनुसा, तुम्हारी बेटी तो इतनी सुलझी हुई, इतनी प्यारी है माशाल्लाह, कि उसे रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी कभी। भजी, आप इतने लोगों को जानती हैं, अगर आप कोई अच्छा सा रिश्ता हमारी बिया के लिए ढूंढ दें तो मेरी फिक्र भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, भाभी बेगम क्यों कोई रिश्ता देखेंगी? और वैसे भी हमारे सर्कल में गरीब और यतीम लड़कियों को कौन पसंद करेगा? क्यों नहीं पसंद करेगा नरमी, आखिर बिया में कमी किस चीज़ की है? बात कमी की नहीं है भाभी बेगम, मोहब्बत जताना और बहू बनाकर घर में लाना बहुत फर्क है। शक्ल सूरत से ज्यादा आजकल स्टेटस देखा जाता है। तो बस वैसे बच्चे से कह रही थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हमारी ये औकात नहीं है। नहीं मैंने सा, अभी दिया की शादी की उम्र ही कहाँ हुई है, अभी तो वो पढ़ रही है ना, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तुम देख लेना, इंशाल्लाह ताला उसको शहजादे जैसा दूल्हा मिलेगा। अच्छा, ये तुम्हारा दुपट्टा हुआ नहीं अब तक? चलो तुम इसको मुकम्मल करो, हम लोग कपड़े हैंग करके आते हैं, मुझे दे दो। पहले तो ये कपड़े चेक कर लेना, ये जो डब्बे में पैक किए कैसे हैं। हाँ, किसके लिए? जी, सारी ईमेल्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी हैं,
और इस प्रोजेक्ट से जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसी में। दानियाल भाई जी, वो नाश्ता तैयार हो गया। अब एक मिनट, हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो आंटी कह रही थी कि गर्म है, ठंडा हो जाएगा। बस दो मिनट जी। क्या हुआ ये? इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम्हारे में या खत्म हो गई है? तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो यार, बड़ी अच्छी बात है। कुछ नहीं हुआ, बस डर गई है। खुदा खुदा जल्दी आओ। भैया भैया तुम ठीक हो? तुम्हें तुम्हें लगा क्या हुआ? क्या हुआ दानिया? जल्दी आओ यार, देखो ठीक तो ना? क्या हुआ है? सब बली साहब की मेहरबानी है। बली की मेहरबानी? क्या मतलब? जाहिर है घर पे आए हुए मेहमानों के ऊपर अगर गोलियां बरसाएगा तो उनकी हालत तो होगी ना ऐसी। तुम अंदर ले जाओ, जाओ अंदर ले जाओ प्लीज। पानी वानी पिलाओ। सॉरी भैया। गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।